हेलो दोस्तों, आज हम कालजय टेंपल जा रहे हैं। काली माँ का मंदिर है ये। हम रिजॉर्ट का गेट, स्वास्थ्य चिल्का रिजॉर्ट का गेट से बाहर आ रहे हैं और वो सामने 200 मीटर की दूरी पे अपना जाने का रूट है। वहाँ पहुंचकर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये हम खड़े हैं बोटिंग पॉइंट में। ये एक नाव है, लोकल नाव। आज हम लोकल नाव पे जाएंगे और इसका चार्ज है यहाँ से 2000 रुपये आने जाने का। क्योंकि हम लोग सिंगल बुकिंग करवाए हैं, यहाँ आदमी और कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग एक साथ जाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? राजीव बेहरा। हाँ, राजीव बेहरा। राजीव बेहरा जी आज हमको लेके जाएंगे, ठीक है। ये मैडम बैठ गई हैं नाव में और हम लोग अब प्रस्थान करने वाले हैं। वो देखिए सामने एक और नाव खड़ा है और सुबह के मौसम में सूरज उग रहा है। ये हमारी बोट चल रही है, सामने सूरज चमक रहा है और ये चले जा रही है। पानी का लहर देखिए, ये है चिल्का लेक। जहाँ तक नज़र आता है ये लेक नज़र आता है, चारों तरफ पानी ही पानी। दूर एक टापू नज़र आ रही है और हम लोग जा रहे हैं आज कालीजय मंदिर। वहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की वहाँ पर मंदिर के पास बहुत पहले डूब गई थी, जो बाद में काली जी के रूप में अवतरित हुई है वहाँ। उसका नाम जई था, इसलिए उसको बोलते हैं काली जई टेम्पल। ये मछली पकड़ने के लिए भी बीच में कुछ कुछ लगाया गया है। अभी हम मिड वे पहुँच गए हैं, आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। सूरज थोड़ा सा ज़्यादा तेज चमक रहा है, हल्का सा बादलों की ओर से निकला है और वो दूर एक पहाड़ टाइप का दिख रहा है। शायद वही हमारा डेस्टिनेशन हो सकता है। दोस्तों ये हम देखिए टूवर्ड्स कालीजय टेम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। ये सामने दिख रहा है, चारों तरफ पानी है और बीच में ये टेम्पल है। वहाँ पहुँचने में अभी हमको कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं दूर से आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये चारों तरफ से पानी से लबालब भरा हुआ है। चिल्का लेक के एकदम बीच में है, ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ जगह जगह पर रास्तों में जो दुकानें रहती हैं उन पर लिखा रहता है कालीजयी। तो ये टेंपल बहुत जागृत है यहाँ इस एरिया में। देखिए लगभग हम किनारे पे पहुंच रहे हैं। ये एक अद्भुत गहरे पानी के बीच में बसा हुआ टापू है जिस पर यह मंदिर है और यहीं पर माता कालीजयी का मंदिर है। ये जंगल है, टापू में स्थित जंगल और उसके साथ में लगे हुए ये छोटे छोटे पत्थर। साइड में पूरे पत्थरों से आच्छादित है। ये पत्थर और पेड़ मिलकर बहुत सुंदर बना रहे हैं इसे। और ये देखिए सामने लगभग हम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं और मंदिर आने वाला है। ये देखिए हम लगभग करीब पहुंच चुके हैं।
अब इसके बारे में पहले से मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये पूरे चिल्का लेक के बीच में है ये मंदिर। देख रहे हैं चारों तरफ सैंडस्टोन है, ये देखिए। ये देखिए ये मंदिर है, कुछ कॉटेज भी बने हुए हैं। अब जाने का रास्ता किधर से है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये सामने बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ दिख रहा है। ये हमारी बोट की आवाज़ बंद हो गई है और यही एक छोटा सा मंदिर है यहाँ बीच में। ये कुछ लोग आए हुए हैं शायद हैं, हम लोग अपने गंतव्य में की ओर पहुंच चुके हैं। यही हमारा डेस्टिनेशन है आज का, सुबह का वक्त है। देखिए हमारा नाव रुकने वाला है। ये अब नाव किनारे पे पहुंच चुकी है। यही काली जय टेम्पल है, इसका मूर्ति का फोटो उठाना मना है। ये सामने कुछ दुकानें बनी हैं, यहाँ से हमने प्रसाद लिया है। ये देखिए प्रसाद की दुकानें हैं, ये चूड़ी उड़ी, और ये मंदिर है, और मंदिर के सामने एक शिव मंदिर है, और चारों तरफ से ये एरिया पानी से घिरा हुआ है। स्वाति चक्रवर्ती जाने का रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आराम से जाएंगे भाई। अब ये आज की हमारी मंदिर दर्शन ख़त्म हुआ, बहुत ही मन को शांति। यहाँ आके थोड़ा सा आदमी धार्मिक हो जाता है। पूरा देखिए ये क्षेत्र देखिए चारों तरफ का, इससे आपको जानकारी मिलेगी कि यहाँ कैसे आया जा सकता है। सबसे कठिन नाव में चढ़ना और उतरना ही है। ये हमारे
पायलट हैं राजीव बेहरा जी, वो बोल रहे हैं कि हम आपको पूरे मंदिर का एक परिक्रमा करवाएंगे। ये देखिए हम लोग परिक्रमा के लिए शुरू हुए हैं, परिक्रमा करने के लिए। ये उनका हमारे प्रति प्रेम है कि वो हमें चारों तरफ एक एक चक्कर लगवा के घुमाएंगे और साथ में हम आपको भी इस मंदिर की परिक्रमा करवाएंगे बिना रुके। जैसा कि हमने आपको बताया कि काली देवी टेम्पल है, यहाँ जई नाम की लड़की डूब गई थी जो बाद में काली जी के रूप में यहाँ अवतरित हुई, इसीलिए इस मंदिर का नाम है काली जई टेम्पल। ये देखिए यहाँ माइग्रेटरी बर्ड घूम रहे हैं। ये चिल्का का जो लेक है, यहाँ माइग्रेटरी बर्ड का ये स्वर्ग है। ये देखिए अब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। ये देखिए यही मंदिर है, यह हम आपको बढ़िया से दिखा देते हैं। यही काली जी का टेम्पल है, अंदर काली जी का टेम्पल है। यहाँ फोटो लेना यहाँ मना है। ये देखिए ये बर्ड है, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये टेम्पल चारों तरफ पानी ही पानी है, उसके बीच में यह एक जगह, ये चारों तरफ पीछे साइड में इसके जंगल है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, स्टोन। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टोन साइड में। ये बीच बीच में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ लोग आते होंगे और पिकनिक मनाते होंगे। अब हम वापस अपनी जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। ये हमारी बोट कुछ जब जगह में प्रवेश कर रही है। ये सामने लाल लाल रंग के जो है वो रिजॉर्ट के ब्लॉक है और ये जो एक ब्लू कलर की छोटी क्रूज खड़ी है, यहीं पर हमारा हमको उतरना है।